एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 में पूछा हुआ क्वेश्चन है जो 2018 के 17 तीन 2018 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन सीरीज चल रहा है रेशियो प्रोपोर्शन का। तो देखिए रेशियो प्रोपोर्शन का आपका थ्योरी क्लास कंप्लीट हो चुका है जिसका वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा और यहाँ पर हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन होगा जो एग्जाम्स में पूछा जाता है। ये सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 में पूछा हुआ क्वेश्चन है 17 तीन 2018 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन है कि पी क्यू तथा आर की आय क्रम से 5:4:3 के अनुपात में है तथा उनका व्यय मतलब खर्चा एक्सपेंडिचर 6:5:4 के अनुपात में है। ठीक है तो आय का अनुपात दिया हुआ है और खर्चा का अनुपात दिया हुआ है। यदि पी 10,000 रुपए की आय में से 4,000 रुपया बचाता है तो क्यू की बचत क्या होगी रुपीस में। तो देखिए यहां पर क्या बोल रहा है, क्या इनकम का रेशियो दिया हुआ है और एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है और रुपीस में बोल रहा है क्या पी का रुपीस 10,000 अगर इनकम हो रहा है 4,000 रुपया बचत हो रहा है। तो यहां पर ध्यान दीजिए कि बचत हो रहा है लेकिन रेशियो किसका इसका है इनकम और खर्चा का रेशियो है। तो पहले रेशियो को लिख लेते हैं पी क्यू आर। इसका रेशियो है 5:4:3। ये है इनकम का रेशियो। एक्सपेंडिचर जो है खर्चा इसका रेशियो है 6:5:4। ठीक है और बोल रहा है कि पी का इनकम है 10,000 रुपया और एक्सपेंडिचर है आपका 4,000 रुपया बचता है सॉरी सेविंग है। ठीक है तो देखिए इनकम है 10,000 और सेविंग कर रहा है 4,000 तो मतलब खर्चा कितना कर रहा होगा, खर्चा जरूर 6,000 कर रहा होगा। ठीक है तो ये हो गया एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंडिचर का रेशियो यहां पर दिया हुआ है और इनकम का रेशियो दिया हुआ है, इसका यूज हम लोग करने वाले नहीं है। तो देखिए इनकम दिया है 10,000, पी का इनकम का रेशियो है 5 तो 5 इक्वल टू है क्या 10,000। 5 बराबर अगर 10,000 होगा तो 1 बराबर कितना होगा तो 10,000 बाय 5 करेंगे, 10,000 को 5 से डिवाइड देंगे आएगा कितना 2,000, एक रेशियो आया 2,000। तो देखिए पूछा किसका है क्यू का, तो क्यू का इनकम कितना हो जाएगा, क्यू का 4 रेशियो है तो 4 रेशियो बराबर ऊपर करते हैं इसको अच्छा रहेगा नहीं तो आपको कंफ्यूज कर देगा। तो देखिए ऊपर करते हैं 2,000 क्योंकि एक रेशियो बराबर कितना आया 2,000 तो 4 रेशियो बराबर 4 × 2,000 करेंगे तो 8,000 रुपया। 8,000 क्या आया क्यू का इनकम आया। ठीक है अब देखिए यहां पर पी का एक्सपेंडिचर कितना है, खर्चा कितना है 6,000 तो खर्चा का रेशियो कितना है आपका 6 तो 6 = अगर 6,000 है, 6 = अगर 6,000 है तो एक रेशियो का भाग क्या होगा, एक रेशियो बराबर 6,000 बाय 6 करेंगे तो आएगा कितना 1,000 आया एक रेशियो का भाग। ठीक है तो यहां पर क्या आ रहा है Q का जो आपका खर्चा है ये कितना आ जाएगा 5 रेशियो तो 5 × 1,000 करेंगे तो आ जाएगा कितना 5,000। सही से समझिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पी 10,000 कमा रहा है और 6,000 खर्चा कर रहा है। ठीक है और क्यू 8,000 कमा रहा है 5,000 खर्चा कर रहा है तो बचा कितना रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि क्यू कितना बचा रहा है तो क्यू बचाएगा कितना 8,000 में से 5,000 हम लोग घटा देंगे तो बचेगा कितना 3,000। ये आपका आ गया सेविंग किसका क्यू का। तो समझ में आ चुका है, आरोप समझ में आ चुका है। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो कर दीजिए लाइक, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं जल्दी नया वीडियो में एक नया क्वेश्चन के साथ।